प्लाईवुड पर सनमाइका किस तरह से पेस्ट किए जाते हैं और किस तरह से करना चाहिए, तो वो मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो पेस्ट करने के लिए कौन सा वाला डेंड्राइट लेना चाहिए जो कि सबसे अच्छा हो, तो दोस्तों हमने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये डेंड्राइट लिया, ये हमारा हीटेक्स यानी कि फेविकोल कंपनी का हीटेक्स डेंड्राइट जो होते हैं, तो लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से इसको दबाना है। जैसे मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ तो आप लोग को इस तरह से अच्छी तरह से दबा के इसको पेस्ट करना है, तभी दोस्तों आपका हमने फाइनली जो कि सनमाइका सारे पेस्ट करके पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो कि एक प्लाईवुड पर सनमाइका किस तरह से पेस्ट किए जाते हैं और किस तरह से करना चाहिए, तो वो मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो हमने सनमाइका पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर प्लाई जो है कटिंग करके रखा हुआ है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमने साथ ही साथ इसमें सनमाइका भी जो है कटिंग करके रेडी करके रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि एक प्लाईवुड पर सनमाइका किस तरह से पेस्ट करना चाहिए और उस पर पेस्ट करने के लिए कौन सा वाला डेंड्राइट लेना चाहिए जो कि सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये डेंड्राइट लिया, ये हमारा हीटेक्स यानी कि फेविकोल कंपनी का हीटेक्स डेंड्राइट जो होता है वो लिया है। तो दोस्तों ये वाला डेंड्राइट बहुत ही अच्छा है, इसे अगर आप संडे का पेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट होता है और ये बिल्कुल भी एक बार पेस्ट होने के बाद ये छुट्टा नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट होता है। और दोस्तों आप डेंड्राइट ये वाला जो डेंड्राइट लगाने से पहले इसको अच्छी तरह से जो कि इसको घोल लेना है, जैसे मैं यहाँ पे घोल रहा हूँ, तो आप उसको अच्छी तरह से यहाँ पे जो कि उसको घोल लेना है। घोलने के बाद ही इसको लगाना है क्योंकि दोस्तों नीचे पे जमा हुआ रहता है इसका, इसलिए इसको अच्छी तरह से एक लकड़ी की मदद से इसको घोल लेना है। घोलने के बाद जो कि सनमाइका पर डेंड्राइट को अच्छी तरह से लगा देना है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे लगाने के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो हमने अच्छी तरह से इसको घोल लिया हूँ और हमने हमें सनमाइका पे जो कि देखिए डेंड्राइट लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये हमने ये जो पट्टी यहाँ पे हमने लगाने के लिए लिया है, तो ये वाला पट्टी तो हमारा ये डेंड्राइट के साथ में मिलता है कुछ इस तरीके से, जो इसके जो नीचे साइड में जो हम लगा रहे हैं उसमें जो कंघी का जैसे होता है ना, वो कंघी का जैसे दांत उसमें बना हुआ रहता है। तो हमने इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं हमने सारे सनमाइका पे जो कि डेंड्राइट लगा दिया है और प्लाईवुड पर भी हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों दोनों में इस बराबर से लगाना है डेंड्राइट, कहीं भी छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से लगाना है उसको, ज़्यादा पतला नहीं करना, जो थोड़ा सा मोटा रखना है डेंड्राइट को, जो कि ज़्यादा पतला करेंगे तो सूख जाने का, बिल्कुल भी सूख कर जो कि इसे चिपकने जो कि वो नहीं रहता है, इसलिए अच्छी तरह से अच्छी लगे थोड़ा सा रखना है। तो देखिए हमने सारे लगाकर तैयार कर लिया। और दोस्तों अगर आप लोग भी लगाते हैं ना इस तरह से, तो डेंड्राइट लगा के 5-10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने सारे पट्टी भी लगा कर तैयार कर रख कर सेट कर दिया था, जो सूखा हुआ है उस पर हम लेके इसे लगा रहे। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से सनमाइका लगाते हैं, तो लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से इसको दबाना है। जैसे मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, तो आप लोग को इस तरह से अच्छी तरह से दबा के इसको पेस्ट करना है, तभी दोस्तों आपका सनमाइका जो कि अच्छी तरह से पेस्ट होगा और बीच में बबल वगैरह नहीं रहेगा। तो दबाते हैं ना आप एक साथ से दबाते हुए जाना, ऐसे नहीं कि चार ओर दबा देकर बीच में बाद में दबाएंगे, तो एक साथ से दबाते हुए जाना। अगर बीच से दबा दे चारों ओर से दबा देंगे ना, तो बीच में आपका जो कि बबल्स रह जाएगा, फिर वो दबाने पर भी वो जाने वाला नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बीच से दबाते हुए साइड पे चले जाना है, तो अच्छी तरह से आपको जो कि पेस्ट हो जाएगा सनमाइका, देख सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मैंने पेस्ट करके तैयार कर लिया, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और दोस्तों आप लोग भी पेस्ट करते हैं तो इसी तरीके से पेस्ट किया कीजिएगा, तो तभी दोस्तों आप लोगों का सनमाइका जो कि अच्छी तरह से पेस्ट होगा और बीच में बबल वगैरह जो कि बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमने सारे पेस्ट करके तैयार कर लिया और हम इसको कटिंग कर रहे हैं, जो इसके ओवर साइज़ है, तो हम इसके ओवर साइज़ जो है वो हम इसके एंगल की मदद से कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से एंगल से आप इस तरह से जो दबा देंगे ना, तो आपको वो सनमाइका बिल्कुल कटते हुए जाएंगे, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी सनमाइका इस तरह से लगाते हैं, थोड़ा सा जो कि आपका जो प्लाईवुड जो कटिंग किया हुआ रहता है उस प्लाईवुड से 1/2 इंची या 1 इंची का साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह से रखने से आपको जो कि पेस्ट करने में आसान होगा, वरना जो कि आप साइज़ में ठीक बराबर साइज़ में कटिंग करेंगे तो आपको लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जो एक बार चिपक जाने के बाद आपको फिर उसको छुटाने में मुश्किल हो सकता है, फिर उसका आपका सनमाइका टूट भी सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा रख के ही लगाना है उसको, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देख सकते हैं हमने कटिंग करके रेडी कर लिया, और हमने साइड साइड में सैंड पेपर से इसका हम इसके धार में जो सैंड पेपर हम मारकर इसके बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस तरह से आपको साइड में सैंड पेपर अच्छी तरह से आप नहीं मारेंगे तो क्या होता है कि इसके जो धार से आपका हाथ उधर काट सकता है, फिनिशिंग भी नहीं रहेगा, इसलिए दोस्तों आप इसी तरह से अच्छी तरह से सैंड पेपर मार देना इसके चारों ओर कोना कोने पर, जो आपने एंगल की मदद से जो सनमाइका को कटिंग किया है उसके चारों ओर। तो चलिए मैं सारे सनमाइका को इसी तरह से मैं कटिंग करके कंप्लीट करके मैं आप लोग का दिखाता हूँ, तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो के तक। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली जो कि सनमाइका सारे
टेस्ट करके पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने टेस्टिंग करके यहाँ पे रख लिया है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये जो कि एक किचन का हैंगिंग कैबिनेट बना रहे थे उसी के लिए हमने ये सारे जो तैयार कर रहे थे। और दोस्तों, अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट करिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर से ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।